भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में शुक्रवार की सुबह एक बुजुर्ग महिला का इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। उक्त महिला ने सुबह 7 बजे बुजुर्ग महिला जमुना देवी पत्नी मन्नीलाल निवासी सुल्तानपुर कला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा को भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए उपद्रव कर हंगामा कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बुजुर्ग महिला के पुत्र रमाकांत पुत्र मुन्नीलाल ने आयुष्मान केबिन पर लगे कांच पर इतनी जोर से हाथ मारा, जिससे कांच टूटकर उसके हाथ पर गिरने से वह बुरी तरह लहूलुहान होकर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद उसे PGI सैफई रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिवारीजन बुजुर्ग महिला के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ले गए। 7 बजे भर्ती नहीं किया, भर्ती नहीं किया, OPD दिखाओ, इधर दिखाओ भैया, बार बार कहने में भैया पैसे अभी दे के तो सब काम करवे करो, दे आज तो देख ले। आपका माता जी का उपचार सही से नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। अरे कितने दिन से बीमार थी भैया? अरे कल से परसों से हुई है भैया, बुखार आया था, वाली डेंगू। आप अस्पताल कब आए थे? आज ही आए थे कि पहले भी आए थे? तबियत उनका इलाज हो रहा था, आज सुबह से तबियत खराब हुई थी भैया। अरे भैया।